प्यार का पंचनामा में पावर पैक परफॉर्मेंस देने के बाद फिल्म मेकर लव रंजन, कार्तिक तिवारी और नुसरत भरूचा की टिकरी एक बार फिर से तैयार है आपको एंटरटेन करने के लिए। ये टिकरी 25 जनवरी को आकाशवाणी के साथ पर्दे पर उतरेगी। फिल्म को हिट करवाने के लिए सितारे फिल्म को प्रमोट करने के लिए पहुंचे दिल वालों के शहर दिल्ली में। ये नजारा है लव रंजन की फिल्म आकाशवाणी के ताबड़तोड़ प्रमोशन का। दिल्ली में पहुंची आकाशवाणी की स्टार कास्ट और कर रही है अपनी फिल्म को प्रमोट। प्यार का पंचनामा की टीम वापसी कर चुकी है आपका दिल चुराने के लिए। जी हाँ, प्यार के साइड इफेक्ट दिखाने के बाद ये टिकड़ी तैयार है एक बार फिर से उसी क्रेजीनेस को पर्दे पर उतारने के लिए। लव रंजन के इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को 25 जनवरी को पर्दे पर उतारा जाएगा। फिल्म को कुमार मंगत पाठक ने प्रोड्यूस किया है। आकाशवाणी तीन कॉलेज बैचलर्स की कहानी है जो अपने प्यार और इमोशन उन पर भारी पड़ते हैं। प्यार का पंचनामा में प्यार के नुकसान के बारे में बता चुके हैं लव रंजन और अब बताएंगे कि कैसे प्यार से किसी को बल मिलता है। फिल्म में एक बार फिर से युद्ध को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो दिल्ली पहुंचे स्टार्स की एक्साइटमेंट आपने आसानी से देखी जा सकती है, लेकिन फिल्म पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कार्तिक और नुसरत हंसते हुए नजर आए। हाँ जी हाँ भाई और बहनों, ये है आकाशवाणी और आप देखने जा रहे हैं एक लव स्टोरी। जी आकाशवाणी होने वाली है कि बहुत अच्छी फिल्म आ रही है 25 जनवरी को और आई थिंक वापस से प्यार का पंचनामा की टीम वापस आ रही है विद अ बैंग एंड आई होप कि जितने कॉन्फिडेंस और जितने अच्छे हार्डवर्क के साथ सब लोगों ने ये फिल्म में काम किया है आई थिंक वो लोगों को भी उतने हार्डवर्क और वो कॉन्फिडेंस सबको दिखे और अच्छी फिल्म एक दिखे। आई थिंक काफी हद तक इस फिल्म का भी वर्ड ऑफ माउथ जैसा कि प्यार का पंचनामा के साथ वापस से अच्छा होगा और लोगों के ये फिर से पसंद आएगी। आकाशवाणी में आपका कैसा एक्सपीरियंस था? यार बहुत ठंडा एक्सपीरियंस था, जैसे कि आपको डायरेक्टर साहब ने बताया होगा कि हम लोग काफ़ी ठंडी लोकेशंस में शूट किया है, मैक्सिमम -8, -15, एक बार -18 ऐसे टेम्परेचर्स में शूट किया हमने। तो आई थिंक गर्म फिल्म बना रहे हैं बड़ी, लेकिन ठंडे मौसम में बनाई है और आई थिंक उसी का एक मज़ा भी अलग है कि रोमांटिक फिल्म होती है तो ठंडे मौसम बहुत अच्छा लगता है, स्किन पे ग्लो आता है, आप गोरे ज़्यादा लगते हो, आप ज़्यादा चमकीले होते हो स्क्रीन पे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। कितना कंफर्टेबल रहा है कास्ट का कैरेक्टर आपके लिए? शुरू में बहुत डिफिकल्ट रहा, शुरू में क्योंकि मैं रजत का कैरेक्टर निभा के ऑलरेडी आ रहा था जो कि इसका पूरा उल्टा है, क्योंकि प्यार का पंचनामा में जो लड़का था वो सबमिसिव था, बहुत ही हर किसी की बात पे आ जाता था, अपनी गर्लफ्रेंड की बातें सुनता था, गर्लफ्रेंड मैनिपुलेट करती थी वो मैनिपुलेट हो जाता था, उठने को बोलेगी तोड़ जाएगा, बैठने को बोलेगी तो बैठ जाएगा, गुलाम था वो लड़का। लेकिन आकाश का कैरेक्टर उसका उल्टा है, आकाश का कैरेक्टर थोड़ा सा डोमिनेंट है, जब भी कुछ बात करेगा तो वो खुद एंकर करेगा पूरे ग्रुप को, खुद लीड करेगा। आई थिंक वो चंडीगढ़ का टिपिकल लौंडा है, तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि खुला हुआ एकदम लड़का है जो किसी और की नहीं सुनता, अपनी करता है और दिल्ली में पढ़ने आता है, वहाँ उनकी मुलाकात वाणी से होती है और कैसे आकाशवाणी बनती है फिर आगे की कहानी।